सब्सक्राइब करें इजी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं मीनाक्षी सेठी इजी टेस्टी फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाने जा रही हूँ ब्रोकली पराठे। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इस तरीके से ब्रोकली के पराठे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर बनाते समय कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं ब्रोकली के पराठे। सबसे पहले मैंने ब्रोकली को गुनगुने पानी में नमक डालकर अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार और फिर मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है बारीक वाले घियाकस से। और मैंने एक कटोरी आटा लिया है। आप क्वांटिटी आटा गूंदने की अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा आधे से भी बहुत ही कम चम्मच नमक लिया है मैंने आटा गूंदने के लिए। मैंने अजवाइन ली है और 2 से 3 हरी मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, एक बहुत ही छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, एक छोटा वाला चम्मच मैंने ब्रोकली के लिए नमक लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, और मैंने हरा धनिया अच्छे से धोकर काट लिया है, चकला बेलन लिया है, सूखा आटा लिया है रोटी को बेलने के लिए पराठे को, और मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले हम पराठे में 1 कटोरी आटा डाल देंगे और जो हमने थोड़ा सा नमक लिया था उसे डाल देंगे और खाने का 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अजवाइन भी मैं अभी डाल रही हूँ आटे में, चाहे तो आप ब्रोकली के जब मिश्रण बनाएंगे उसमें भी डाल सकते हैं। मैं पराठे खस्ता बने इसीलिए रिफाइंड ऑयल को अच्छे से आधे मिनट तक या 1 मिनट तक इसमें मिला रही हूँ। अच्छे से हमने रिफाइंड ऑयल और अजवाइन को आटे में मिला दिया है। अब हम हथेली पर या फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी करते हुए एक नरम आटा गूंदेंगे, पूड़ी से काफ़ी ढीला और रोटी से थोड़ा सा मुलायम, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे बने या फिर रोटी जैसा भी गूंद सकते हैं। रोटी का अगर आटा आपके पास तैयार पड़ा है तो फटाफट से गुनगुने पानी में नमक डालकर गोभी को धोइए, कद्दूकस कर अच्छे से पराठे बनाइए और फटाफट से पराठे तैयार करिए। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए हमारा एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है और ये देखिए कितना लचकदार बना दिया है मुक्की मार मार के इसे। और अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल हमने खाने का पहले डाला था और 8-10 बूंदे फिर से डालेंगे और इसको थोड़ा चिकना कर देंगे और इस प्रकार ढक देंगे। जब तक ये रेस्ट ले रहा है तब तक हम गैस पर एक फ्राई पैन या कढ़ाई कुछ भी रखेंगे और उसमें खाने का छोटा वाला 1/4 चम्मच, अगर बड़ा चम्मच है तो 1 ही बहुत है, मेरा छोटा है इसलिए मैं 1/4 ले रही हूँ। इसमें हम जीरा डाल देंगे, जैसे ही जीरा चटकेगा फिर हम ब्रोकली डालेंगे। जीरा हमारा भुन गया है, गैस कम कर देंगे जिससे कि जीरा चटकने के बाद उड़े ना, और हम ब्रोकली डाल देंगे जिससे कि इसका कच्चापन भी निकल जाए और इसका जो पानी है वो भी सूख जाए, और गैस मंदी ही रखेंगे। और अब हम जितनी हरी मिर्च डालनी है डाल सकते हैं, अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, सूखा धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, कुटी लाल मिर्च, इन सबको डाल दिया है। और अब मैं मंदी आंच पर इनको सॉटी कर दूंगी। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ब्रोकली हमारी ड्रायर हो गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर पंखे में ठंडा होने रख देंगे। देखिए हमारी ब्रोकली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। गर्म ब्रोकली को बिल्कुल भी नहीं भरना है वरना पराठे फटने लगेंगे, इसलिए अच्छे से ठंडी कर ले पंखे में और फिर आराम से बनाए पराठे। और पानी भी नहीं है, देखिए इसमें ड्रायर कर ली है बिल्कुल। और अब देखिए हमारे आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, ये बहुत ही फ्लफी और चिकना सा हो गया है, इसके पराठे बहुत ही मुलायम बनेंगे। अब हम रोटी से थोड़ा बड़ा पेड़ा बना लेंगे या फिर जितना भी बड़ा साइज आपको पराठे का चाहिए उतना ही। मैं 2-3 पेड़े अभी बना रही हूँ। देखिए 3 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम पेड़े को सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे और उसको हम थोड़ा
थोड़ा सा बेलेंगे, बीच से ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, साइडों से पतला और बीच से मोटा रखेंगे। हाफ रोटी से भी थोड़ा कम बेल लेंगे और हम खाने के एक चम्मच, बड़ा वाला खाने का चम्मच है ये, और खाने के दो चम्मच भरकर और थोड़ा सा और ज़्यादा मिश्रण भरकर, आप कम ज़्यादा मिश्रण अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसको आटे को समेटते हुए इसको पूरा एक पोटली टाइप बना लेंगे और अच्छे से इसको अंदर कर देंगे, मिश्रण को पूरे बाहर ना दिखे, और अच्छे से इसको हथेली पर रखेंगे ऐसे, और अच्छे से ऐसे कर कर इसको ये वाला हिस्सा अपने आप एक्स्ट्रा आटा जो टूट जाएगा, देखिए इसे तोड़ दें और इसको यहीं पर और सूखा आटा इस साइड लगाएं, इस साइड लगाएं, और इसको अभी बेलना नहीं है, अच्छे से पहले साइडों से दबाएं, फिर पलटें, फिर साइडों से दबाएं, और फिर इसको अपने बीच की तीन फिंगर से अच्छे से दबा दें जिससे कि पराठा हमारा फटे ना। और अब हम इसे साइडों से दबाव देते हुए बेलेंगे, बीच से ज़्यादा दबाव नहीं देंगे क्योंकि हमने मिश्रण ज़्यादा भरा है। और ये हमने जो आटे की परत थोड़ी सी निकाली है, अब इसे निकालने से कच्चा कच्चा आटा बीच में जो आ जाता है पराठों के वो नहीं आएगा और हमारे पराठे बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। और ये देखिए, जितना पतला आप इसे करना चाहते हैं उतना पतला कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं फटेगा। और हम गैस को ऑन कर देंगे और जब तवा हमारा बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा तब पराठे को हम तवे पर डालेंगे। हमारा तवा गर्म हुआ है, पराठा हमने बेल लिया था, इसको इस तरीके से कर लिया है, एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इसको पोटली बना ली है, फिर इस तरीके से कर कर ही निकाल देंगे वही। और तवा गर्म है तो अब हम इसको डाल देंगे और एक से डेढ़ मिनट में ये अच्छे से इधर से गोल्डन सा होता हुआ दिखाई देगा। एक से डेढ़ मिनट बाद हम इसे पलटेंगे। देखिए, एक मिनट बाद मीडियम आंच पर हमारा पराठा कितना क्रिस्पी हो गया है, हमने इसको पलट दिया है। और अब हम एक खाने का, ये बहुत छोटा खाने वाला चम्मच है, एक चम्मच डालेंगे बस, अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो भी ना डालें। और उसको इसी उसी वाले चम्मच से इसको देखिए जिससे कि क्रिस्पी हो जाए फुला देंगे। और ये देखिए पराठा कितना फूल गया है, हमने बस अभी एक छोटा चम्मच ही पाइन ऑयल डाला है। इस तरीके से दबाते जाएंगे और एक ही तरफ घी लगाएंगे बस। और देखिए कितना फूला हुआ पराठा बनाया है हमारा, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। इस तरीके से क्रिस्पी करारे पराठे बनाइए ब्रोकली की और खाइए। सभी पराठे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने चार पराठे तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, अब मैंने हलवा प्लेट के ऊपर उतारे थे ये, अब ये ठंडा हो गया है नीचे वाला, अब हम लोग डाल देंगे। इससे नीचे का पराठा सीला सीला सा नहीं होगा। देखिए, एक भी पराठा नहीं फटा है। इस तरीके से बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पेज है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू।